पब्लिक टीवी आपकी आवाज। हिंदू युवा वाहिनी जनपद मुरादाबाद में विशाल हिंदू महासम्मेलन का आयोजन किया गया। ये सम्मेलन मुरादाबाद के लाइन पार स्थित रामलीला मैदान में किया गया। इस महासम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश उपाध्यक्ष माननीय अशोक सिंह के साथ समस्त प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारी डॉक्टर योगेंद्र सिंह राणा, प्रदेश उपाध्यक्ष नागेंद्र प्रताप सिंह तोमर, प्रदेश मंत्री डॉक्टर एनपी सिंह, विभाग प्रभारी मुरादाबाद रहे। हिंदू युवा वाहिनी जनपद मुरादाबाद के इस विशाल हिंदू महासम्मेलन में हजारों से ज्यादा की संख्या में कार्यकर्ता व शहरवासी मौजूद रहे तथा मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथि के विचारों को ध्यान से सुना। हिंदू महासम्मेलन के लिए प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारी व मुख्य अतिथि के जनपद मुरादाबाद के कार्यकर्ताओं ने मुरादाबाद में जीरो पॉइंट से पुलिस प्रशासन के साथ सैकड़ों की संख्या में गाड़ियों द्वारा रिसीव किया तथा कार्यक्रम स्थल तक लेकर गए। मौके पर जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार भारती, जिला संयोजक अंकित शर्मा, जिला उपाध्यक्ष रविन्द्र सिंह, महानगर अध्यक्ष शांतनु दीक्षित, महानगर संयोजक पोपटलाल, महानगर उपाध्यक्ष अनूप मिश्रा तथा अनेकों कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश उपाध्यक्ष हिंदू युवा वाहिनी, संभाग प्रभारी बरेली मंडल मुरादाबाद मंडल, और दाहिने में डॉक्टर एनपी सिंह साहब प्रदेश कार्य समिति के हमारे सदस्य हैं और मुरादाबाद मंडल के संभाग के मुरादाबाद मंडल के विभाग के प्रभारी हैं। बाईं तरफ बैठे डॉक्टर योगेंद्र सिंह राणा जी प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं और आप बुंदेलखंड जो संभाग है हमारा उस संभाग के प्रभारी हैं। हम सब आज हिंदू युवा वाहिनी के विस्तार के लिए मुरादाबाद मंडल के जनपद मुरादाबाद में उपस्थित हैं। उस पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की जो मनसा है, जिस संगठन को उन्होंने विजयदशमी के उपलक्ष्य 2002 में एक मूर्त रूप दिया था, आज वो है वटवृक्ष के रूप में इस पूरे प्रदेश में काम कर रहा है। ये वास्तव में सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन है। हम सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन को आगे बढ़ाते हुए समग्र हिंदू समाज की परिकल्पना करते हैं, उनको एकजुट करने का प्रयास करते हैं। किन मुद्दों को लेकर आप यहां पर? हम अपने हिंदू युवा वाहिनी के गठन के मुद्दे को लेकर के मैं यहां आ जाया हूं। यह अनवरत कार्यक्रम पूरे प्रदेश में हमारे संभाग के प्रभारियों के द्वारा, मंडल के विभाग के प्रभारियों के माध्यम से चलता रहता है। आज हमारे इस मुरादाबाद मंडल के इस मुरादाबाद जनपद में ग्राम पंचायत स्तर के हमारे पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हुए हैं। उनका मार्गदर्शन करने के लिए पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के मार्गदर्शन में, उनके दिशा निर्देश में मैं आया हूँ। लोकसभा के चुनाव में इस देश के सशक्त प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के मार्गदर्शन में भारत आगे निरंतर बढ़े, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं अपने संगठन के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं से निवेदन करने आया हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी जिसका कमल निशान चुनाव निशान हो उसको उसका सहयोग करके इस भारत माता को मजबूत करने का काम करें। हिंदू युवा वाहिनी, देखिए हिंदू युवा वाहिनी का मुद्दा नहीं है, भारत में निवास करने वाले उन सारे सामाजिक संगठनों का, हिंदुस्तान में निवास करने वाले ही नहीं अपित पूरे विश्व में हिंदुओं के सम्मान का मुद्दा है। उस मुद्दे पे पूज्य योगी आदित्यनाथ ही नहीं, हमारे दादा गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज ने उस राम जन्मभूमि की अगुवाई की, उस न्यास के अध्यक्ष रहे हैं, और हमें जो विश्वास है, हमारे हिंदू युवा वाहिनी को जो विश्वास है कि यह राम मंदिर का भव्य निर्माण पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के मार्गदर्शन में ही भव्य मंदिर का निर्माण जल्दी सुनिश्चित होने